दिनांक 22 अगस्त 2006 को देवलाली में 16 कारण भावना प्रवचन क्रमांक 20 सुनिए प्रवचन भक्ति भावना। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य शास्त्र की टीका में छठवें अधिकार में भावनाओं का वर्णन किया गया है। 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत अपन 13वीं प्रवचन भक्ति भावना का स्वाध्याय कर रहे हैं। हिंदी प्रति में पेज नंबर 275 275, गुजराती में 4-5 पेज आगे होगा 279। सबसे नीचे के पैराग्राफ से अपन को प्रारंभ करना है। प्रवचन में क्या क्या बात आती है वो इसमें बताया जा रहा है। प्रवचन माने केवली भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि, उसका नाम है प्रवचन। उत्कृष्ट वचन है ना, इसलिए वो प्रवचन है। तो उसमें क्या क्या चीज का ज्ञान अपने को होता है ये बात ध्यान देने लायक है। इस प्रसंग में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में डॉक्टर साहब ने सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं और जैसा वे जानते हैं वैसे ही जगत का परिणमन होता है। इससे पता चलता है कि वो निश्चित है। तो बहुत से लोग ये कहते थे कि आप सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हो, वो तो पर वस्तु है, सीधे वस्तु स्वरूप से ही सिद्ध क्यों नहीं करते, जैसा एक तर्क उस समय आता था। तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में ये बात लिखी है कि आपको पता नहीं है कि आप सर्वज्ञता के आधार पर क्या क्या मानते हो। अगर सर्वज्ञता से या सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए आगम से इनकार करोगे तो 24 तीर्थंकर के नाम नहीं ले सकते, तो वो भी तो आगम में ही आए हैं। हमारे माँ बाप ने सिखाए हैं, तो माँ बाप को किसने सिखाए, उनके माँ बाप ने, समझ में आए ना, उनने कहाँ से पढ़े, ये सब आगम से ही तो पढ़े हैं। 5 परमेष्ठी नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते, नमोकार मंत्र किसने लिखा है, आगम में ही तो है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठी होते हैं। यानी छोटी छोटी सी बातें यदि हम आगम से इनकार करें, प्रवचन से इनकार करें, तो हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा अपन को पता नहीं चलता है, और समझ लो अपनी आगम में इतनी दृढ़ श्रद्धा है या उस विषय का थोड़ा बहुत चिंतन भी है, तो आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अरहंत सिद्धाचार्य सचमुच में है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, नरक है, स्वर्ग है, ये मध्य लोक है, ऐसे अपन ऐसी बातें करते हैं कि अपन को सपने में भी इनके बारे में शंका नहीं होती। लेकिन ये सब जो अपनी जो श्रद्धा है इसका एकमात्र आधार आगम है, और आगम का आधार सर्वज्ञ है। समझ में आया, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है प्रवचन की अथवा जिनवाणी की। जीवन में बहुत उपकार, देव और गुरु तो परोक्ष हैं, देव तो वर्तमान में है नहीं,
गुरु दुर्लभ हैं तो एक जन्मानी ही शरणभूत है। देखो कितना सुंदर लिखा है, 275 पेज पर नीचे, संसार से उद्धार करने वाले रत्नत्रय के स्वरूप व रत्नत्रय प्राप्त होने के उपाय का वर्णन परमागम में ही है। सब आगम कहो परमागम कहो एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो अपन लोग अध्यात्म को परमागम कहने लगे हैं। गृहस्थ पने में श्रावक धर्म की जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चर्या का तथा श्रावकों के व्रत संयम आदि व्यवहार परमार्थ रूप प्रवृत्ति का वर्णन प्रवचन से ही जानते। 11 प्रतिमाएं होती हैं, पहली प्रतिमा में क्या होता है, दूसरी में क्या होता है, पाक्षिक श्रावक क्या होता है, नैष्टिक क्या होता है, साधक क्या होता है, सामान्य श्रावक क्या होता है, श्रावक के मूल गुण कैसे होते हैं, ये सब कौन बताता है? आगम बताता है। देखो जघन्य चर्या, श्रावक धर्म की जघन्य चर्या, फिर मध्यम चर्या, फिर उत्कृष्ट चर्या है। उत्कृष्ट श्रावक समझ लो जो गृह त्यागी हो जाते ना, 11वीं प्रतिमा वाले, वो उत्कृष्ट श्रावक है। और समझ लो जो पाक्षिक श्रावक हैं, केवल जिन्हें पक्ष मात्र है कि हम जैनी हैं अथवा जैन धर्म ही संसार से उतारने वाला है, और उसके चिन्ह है रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन का नियम और अनछने जल का त्याग, ये तीन चिन्ह जघन्य श्रावक के हैं। जघन्य चर्या में आता है अष्टमूल गुण कहो, 5 उदंबर और 3 मकार, इनका त्याग इस तरह है। एक जघन्य चर्या से लेकर उत्कृष्ट चर्या, बाकी बीच में जो है दूसरी तीसरी से लेकर समझ लो 10वीं प्रतिमा तक है, वो मध्यम चर्या में अपन ले सकते। श्रावकों के व्रत संयम आदि रूप व्यवहार परमार्थ रूप प्रवृत्ति का वर्णन प्रवचन से ही जानते। ग्रह के त्यागी मुनिराजों के महाव्रत आदि 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, स्वाध्याय ध्यान आहार विहार सामायिक आदि के चारित्र, चर्या का धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि का संलेखना, मरण की समस्त चर्या का वर्णन प्रवचन में ही है। वास्तव में जिसे बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय सुनते नहीं है, स्वाध्याय की आदत नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब। एक बार मैं सागर में एक परिचित के घर में गया था, पहचान के था वो परिवार, उस परिवार की बेटी कुछ दिन पहले विधवा हो गई थी, तो फिर ऐसी थोड़ी वैराग्य की चर्चा हुई। अब जीवन में कभी पाठशाला गए नहीं, कभी स्वाध्याय सुना नहीं, तो अपन ने कहा कि जीव ऐसा है नरक में जाता है। उसको इतना आश्चर्य हुआ उन लोगों को सुन के, जैन परिवार है, इतना आश्चर्य हुआ कि तो आत्मा नष्ट नहीं होता है, ये मर के दूसरी गति में जाता है, तो आया होगा तो कहीं से आया होगा, मतलब जो बातें अपने लिए बिल्कुल कॉमन है, संजीव जनरल है, अपन को संकेत नहीं होती, अपन को ऐसा लगता है उधर से आया उधर गया, मतलब बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स है मामला है कि इधर से आया उधर गया, ये तो मर के कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन सी गति में जाना है। अपन को कभी ना गति वति किसने देखी, परलोक किसने देखा, ऐसा कभी अपने को शंका नहीं होती। और जिसको स्वाध्याय नहीं है उसको यही प्रश्न परेशान करते रहते हैं कि ये लोग जो बोलते हैं ये सत्य बोलते हैं क्या। और देखिए 14 गुण स्थानों का स्वरूप, 14 जीव समास, 14 मार्गणाओं का वर्णन प्रवचन से ही जाना जाता है। आज अपने बोलचाल में ये गुण स्थान इत्यादि का व्यवहार कितना सामान्य हो गया। पहले जब नहीं जानते थे तब तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत ही मतलब पाठशाला में बहुत पाठशाला एक तो ढंग से लगती नहीं थी, 10 लक्षण के बाद में महीना दो महीना लगी, जोश आता था फिर खत्म हो जाती थी है, हर गांव गांव का यही हाल है। तो हमारे घर में एक पंडित जी आते थे, हमारे ताऊ जी की उनकी बहुत बहस हुआ करती थी, इस गुण स्थान में ऐसा होता है, मैं ये सोच गुण स्थान है क्या चीज आए, ये लोग किसको गुण स्थान कहते। और एक बहुत बड़े नेता ने अपनी समाज के एक शिविर के में आए थे, वो
और उसके समापन में ऐसा बड़ी लघुता, बड़ी विनम्रता, बहुत सरलता से बोला, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरा तो पहला भी गुण स्थान नहीं है। समझ में आया? उनने ये सोचा होगा कि जब इसका नाम गुण स्थान है तो उसमें एकाध गुण तो होगा कम से कम। तो इतनी सरलता से और विनम्रता से बोले थे, करोड़पति आदमी, और बोले मेरा तो पहला भी गुण स्थान नहीं है, आप तो मुझे ऐसा करवा दो, ऐसी व्यवस्था कर, ऐसे टाइप। तो बोलो जो चीज आज अपने लिए कॉमन है वो बड़े बड़े करोड़पतियों के लिए दुर्लभ है। समझ में आया? वे ज्यादा तकलीफ में है वो लोग। देखो उनके पास धन है तो वो सब आकुलता का कारण, जिसके पास धन नहीं है और धन दृष्टि है उसे लगता है कि ये बड़े सुखी है, आज मेरे पास होता तो मैं भी सुखी होता। लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा है उसके मेंटेन करने में, उसकी व्यवस्था में और फिर उसको और बढ़ाने में और उसकी सुरक्षा में, वो बहुत दुखी होता है। वास्तव में आकुलता के कारण क्यों संजीव, और तब तो उनके पास है नहीं। समझ में आया नहीं? तो अपन लोग डबल फायदे में, वो दुख का कारण है वो अपने पास है नहीं। इतना तो नहीं है ना कि माथे पे परेशानी हो जावे, है या कंपटीशन में खड़े होना पड़ेगा, बाजार में बड़ी इज्जत हो गई कि भैया ये इस सेठ ने 1 लाख दिया है तो मैं 1 लाख नहीं दूंगा तो मेरा क्या होगा, इतनी बोलियां होती हैं, अपने को विकल्प ही नहीं आता। समझ में आया ना? तो धन है भी समझ लो तो लिमिटेड है, तो वो ज्यादा आकुलता का कारण। और तत्व ज्ञान अपने पास, तो जो जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है वो विद्या अपने पास है, और वो उन्हें सुनने नहीं मिलती। सुनने का कभी प्रसंग आ जा रहे, अध्यक्ष मंत्री बन के सुनने भी आ जा रहे हैं तो भी वो यही सोचते रहते होंगे मुझे क्या बोलना है। समझ में आया ना? कितना पैसा लिखाना पड़ेगा भाषण, कई कई दफे तो मैंने जल्दी से वो अध्यक्ष जी के लिए जरा सा चार लेने लिख के दे दो, उनको बोलना है तो ऐसा फटाफट समझ लो ऐसा उनकी भाषा में बना कि उनको क्या बोलना चाहिए प्रसंग के अनुसार वो लिख के देना पड़ती, ऐसी दशा है। तो मतलब ये कि अपन को इस तत्वज्ञान की कितनी कीमत है ये जानना चाहिए, ये मूल बात तो ये है। अपन कितना उपयोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो दूसरा विषय है, या अपन चाहें तो परम शांति और आनंद का वेदन जो है इसके माध्यम से कर सकते। तो 14 गुण स्थानों का स्वरूप, 14 जीव समास, 14 मार्गणाओं का वर्णन प्रवचन से ही जाना जाता है। जीवों के 199,00,000 करोड़ कुल, बोलो 199,00,000 करोड़। लाख से संतोष नहीं हुए तो करोड़ लगाया उसके बाद। 84,00,000 जाति के योनि स्थान प्रवचन से ही जाने जाते हैं। ये लिस्ट है पूरी, समझ लो प्रवचन में क्या क्या आता है, दिनवाणी में क्या क्या चीज बताई। 4 अनुयोग, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत तथा 4 गतियों के भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप भगवान के कहे आगम से ही जानते हैं। 12 भावना, 12 तप, 12 अंग, 14 पूर्व, ये पिछले आए ना ये सब जो अपन ने लंबा जान के छोड़ दिया है। 14 प्रकीर्णकों का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। उत्सर्पणी और सर्पणी काल का चक्र, इसके बारे में भी अपन बिल्कुल निशंक रहे थे, पंचम काल है इसमें तो ऐसे ही होना है, और अभी 6वां काल आएगा, फिर दोबारा 6वां होएगा, काल चक्र घूमेगा, अवसर्पणी पूरा होगा, उत्सर्पणी चालू होगा, फिर 84,000 वर्ष बाद यहाँ तीर्थंकर होंगे। इन सब बातों में अपन कितने निशंक रहे थे, कभी ये विकल्प ही नहीं आता है कि ये बातें तो शास्त्रों में लिखी है, किसी ने देखी है क्या ऐसा। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का चक्र, इसमें 6-6 काल के भेदों में पदार्थ की परिणति के भेदों का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। वास्तव में काल में तो कोई भेद नहीं है, किस काल में जीवों की परिणति, बल, आयु, स्थिति, कर्म की व्यवस्था, भोग भूमि इत्यादि की व्यवस्था कैसी होती है उससे काल के भेद हो जाते हैं। काल तो काल है, वो तो अमूर्तिक तत्व है।
कुलकर, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव इत्यादि की उत्पत्ति, प्रवृत्ति, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, चक्री का साम्राज्य, वासुदेव आदि के वैभव, परिवार, ऐश्वर्य आदि आगम से ही जानते हैं। जीवादि द्रव्यों का प्रभाव आगम से ही जानते हैं। आगम का भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म में ही पशु के समान है। गजब है। जिस घर में शास्त्र नहीं है, सब गुरुदेव का एक स्लोगन आता था पहले, जिस घर में जिनवाणी नहीं है वो घर श्मशान के समान। शास्त्र होवे, शास्त्र पढ़ने की पद्धति होवे, उसकी चर्चा होती होवे, तो वो जीवंत घर है, है? वो संपन्न है। भगवान सर्वज्ञ वितराग देव ने समस्त लोक अलोक के अनंतानंत द्रव्यों को भूत भविष्य वर्तमान कालवर्ती पर्यायों सहित एक समय में युगपत क्रम रहित हस्त की रेखा समान प्रत्यक्ष जाना देखा। अभी उपमा तो उल्टी पड़ती बात, हस्त रेखा तो परोक्ष है। वो तो इंद्रियों से जानी जाती, और इसमें भी ग्लास से देखो तब और गहराई पता पड़ेगी, और कितने कितने क्या क्या है वो दिखेगा। वो उससे बोलते हैं मोटा, क्या बोलते हैं उसको, है? तो ये तो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन लोक में कहते हैं कि प्रत्यक्ष मैंने रखा हस्तामलक वत, हाथ में रखे हुए आंवले के समान। ये तो उदाहरण है। ऐसे केवली भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, एक है काल प्रगट केवली भगवंता, एक साथ सारी दुनिया को जानते। परन पर्याय होती क्रम से और ज्ञान होता है अक्रम से, एक साथ। ज्ञान में क्रम नहीं, क्रम को अक्रम से जानते। क्या कहा? जैसे मान लो अपनी अनंत पर्याय बाकी है, अनंत काल बाकी है, जितने काल है उतनी पर्याय एक एक गुण की, तो इस किस क्रम में कौन सी पर्याय होगी, ये सारे क्रम को अक्रम से जानते, एक साथ जानते। जानने में अक्रम, होने में क्रम। जीवा एक उसी सर्वज्ञ कथित समस्त वस्तु के स्वरूप को सात रिद्धि व चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव ने द्वादशांग में रचना की है। तो सात रिद्धियां भी होती गंधर्व देव को, उनकी चर्चा आती है। यहां ऐसा विशेष जानना, जो देवाधि देव परम पूज धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अंतरंग लक्ष्मी, ये अंतरंग लक्ष्मी का ये मतलब श्री माने होता है ना, श्री माने लक्ष्मी, श्रीमान, श्रीयुत, तो श्री माने लक्ष्मी, तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर ये लक्ष्मी, समो शरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से मंडित इंद्र आदि असंख्यात देवों के समूह से वंदित 34 अतिशय 8 प्रातिहार आदि अनुपम रिद्धि सहित सुधा त्रसा आदि 18 दोष रहित समस्त जीवों के परम उपकारक लोकालोक के अनंतानंत द्रव्यों के गुण पर्यायों के क्रम रहित युगपत ज्ञान के धारक अनंत शक्ति के धारक संसार में डूबते हुए प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले भक्तामर में आतन आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम समस्त जीवों के दयालु परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म परमेष्ठी स्वयंभू शिव अजर अमर अरंत आदि नामों से प्रसिद्ध असरण प्राणियों को परम शरण अंतिम परम औदारिक शरीर में विराजमान गंधर्व आदि मुनियों द्वारा जिनके चरण वंदनीक हैं कंठ तालु ओष्ठ जिह्वा आदि के हलन चलन रहित इच्छा बिना अनेक प्राणियों के पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न आर्य अनार्य सभी देशों के प्राणियों की समझ में आने वाली, मतलब इससे पता है अनार्य देश के लोग भी आते हैं। समस्त पाप की घातक दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों के मोहांधकार का नाश करने वाले 64 चमर ढोराए जाते हुए 3 छत्र प्रातिहार के धारक रत्नमय सिंहासन पर 4 अंगुल अधर विराजमान
भगवान सकल पूज्य परम भट्टारक श्री वर्धमान देवादि देव ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के लिए समस्त पदार्थों का स्वरूप साथी सहित दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट किया है। इतनी लंबी लिस्ट है, ये सब विशेषण है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी और फिर उनके ज्ञान का वर्णन और महिमा का वर्णन और वाणी कैसे खिलती है, सब कितने सारी चीजों से विशेषण लगाए। इसे उसी समय निकटवर्ती निर्ग्रंथ ऋषिश्वरों द्वारा वंदनी सात रिद्धियों से समृद्ध चार ज्ञान के धारक श्री गौतम गंधर्व देव ने कुष्ठ बुद्धि आदि रिद्धियों के प्रभाव से भगवान के द्वारा कहे गए अर्थ को विस्मरण नहीं करते हुए भगवान के द्वारा कहे गए अर्थ को धारण कर द्वादशांग रूप रचना रची है। बीज बुद्धि होती है, कोष्ठ बुद्धि होती है, ऐसे ये सब बुद्धि रिद्धि के भेद हैं। जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे तब श्री वर्धमान स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। ये प्रवचन की परंपरा बताना चाहते, ये जो उपलब्ध जिनवाणी है ना, ये कहाँ से आई है उसकी परंपरा बताना चाहते, इसलिए पहले वर्धमान स्वामी का वर्णन किया। गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की माने कोई किताब लिख दी, ग्रंथ लिख दी, ऐसा नहीं, वो उसको भाषा प्रदान करते। ख्याल में आए ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इनकी वाणी अर्धमागधी कही जाती है तो गणधर अर्धमागधी में उसको समझते, अर्धमागधी भाषा में, क्योंकि वाणी तो ओंकार में ही खिलती है और समझने वालों को जो जिस भाषा का जानकार होता है उस भाषा में समझता है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, इस तरह 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं ओम ध्वनि में गर्भित होती, और ध्वनि तो ओंकार में ही होती। समझ में आया? फिर भी एक अतिशय आया था ना, अर्धमागधी भाषा होती, तो गणधर अर्धमागधी में समझते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। द्वादशांग को उन्होंने भाषा रूप प्रदान किया, बताया था ना सीडी में जैसे 01 01 के डाटा रहता है, उसके अंदर तो डाटा रहता है, फिर रीडर जो है उसकी भाषा को या तो स्क्रीन पर दिखा देता है या वो साउंड में सुना देता है, वो सीडी रीडर या प्लेयर का काम है। ऐसे ओम ध्वनि में अर्धमागधी में उनको द्वादशांग समझ में आ जाता है। उसके बाद देखो, पश्चात 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, इन 3 केवलियों ने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त प्ररूपणा की भगवान महावीर के बाद। उसके बाद केवल ज्ञान होने का अभाव हो गया, उसके बाद क्रम से विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाव, ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक श्रुत केवली हुए। उनका समय क्रम से कुल 100 वर्ष का रहा। इसका तो बढ़िया चार्ट बना के लिखाना चाहिए, कितने वर्ष बाद कौन हुए, फिर कितने वर्ष बाद कौन हुए, ऐसा तो कुल परंपरा, प्रवचन की परंपरा ख्याल में आए। उनके समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थों का ज्ञान और प्ररूपणा रही। देखो, केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जान करके ओम ध्वनि में प्ररूपणा करते हैं और श्रुतिज्ञानी श्रुतिज्ञान से परोक्ष जानकर वैसी प्ररूपणा केवली के समान। अब केवल ज्ञान की वाणी और श्रुतिज्ञान ये दोनों तो बराबर है, क्या कहा? केवली की वाणी माने द्रव्य श्रुत, और श्रुत केवली को या गणधरों को उसका पूरा पूरा ज्ञान होता है, जो भी उसका भाव है जितना श्रुतिज्ञान में विषय बन सकता है उतना पूरा, क्या कहा? जितना श्रुत ज्ञान में विषय बन सकता है उतना पूरा ज्ञान श्रुत केवली को होता है। इसलिए केवल ज्ञान भले विराट और सकल प्रत्यक्ष और लोकालोक को जानने वाला होवे, लेकिन केवली की वाणी ही द्रव्य श्रुत है, और उसको गजब बात है, केवली की वाणी द्रव्य श्रुत है लेकिन उन्हें भाव श्रुत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? तो केवल ज्ञान है ना, जो ज्ञान एक केवल ज्ञान के साथ में कोई दूसरा ज्ञान थोड़ी होता है, सकल प्रत्यक्ष हो गया तो दूसरे ज्ञान की क्या जरूरत है। तो भाव श्रुत ज्ञान उसकी द्रव्य श्रुत के निमित्त से गणधरों को अथवा अन्य मुनियों को जो होता है तो केवली के समान प्ररूपणा करते।
उसके बाद विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रि जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 परम निर्ग्रंथ मुनीश्वर, 10 पूर्वों के धारी क्रम से कुल 183 वर्ष में हुए। समझ में आया? 62 वर्ष बाद 3 केवली हुए, तो उसके बाद 100 वर्ष के भीतर ये 5 श्रुतकेवली हुए, फिर उसके बाद 183 वर्ष के अंदर अंदर 11 ये निर्ग्रंथ मुनीश्वर, 10 पूर्व के धारी ऐसा। उसके बाद नक्षत्र जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 महामुनि 11 अंग के ज्ञान के पारगामी अनुक्रम से 220 वर्ष में हुए। उन्होंने भी यथार्थ प्रूपणा की। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, महायश, लोहाचार्य, ये 5 महामुनि 1 अंग के ज्ञान के पारगामी अनुक्रम से 118 वर्ष में हुए। बहुत अच्छा इन्होंने ये दिया। वहाँ एक श्वेतांबर विद्वान आते हैं, अपने सूरत में रहते हैं और 6 महीने अमेरिका रहते हैं। खूब मतलब हर सेंटर में जाते हैं, बहुत मतलब वो श्वेतांबर के तो अभ्यासी हैं ही, कई किताबें भी लिखते हैं, दिगंबरों का भी परिचय और प्रेम है उनको। ये पूछते थे हमको, ये सब आपके यहाँ की कौन कौन से आचार्य कब कब हुए उसकी एक लिस्ट मेरे को देना। तो इस बार मैं उनको पंच परमिष्टि विधान ले गया था, नाम तो इसमें है, आप देख लेना जो मुख्य मुख्य हैं। इस प्रकार भगवान महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। उसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर आदि की मंदता होते जाने पर श्री कुंद कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। पूर्व के बाद फिर अंगों पर नंबर आ गया, घटता गया ना, श्रुत ज्ञान घटता गया। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ऐसे पाप से भयभीत, ज्ञान विज्ञान संपन्न, परम संयम गुण मंडित, गुरुओं की परिपाटी से श्रुत के अविच्छिन्न अर्थ के धारक वीतरागियों की परंपरा चली आई। उनमें श्री कुंदकुंद स्वामी ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टी काय, अष्टपाहुड आदि से लगाकर अनेक ग्रंथ बनाए हैं जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं। इन ग्रंथों की विनय पूर्वक आराधना करना वो प्रवचन भक्ति। वो यहाँ ग्रंथ तक ले आए, ये ग्रंथ आए कहाँ से? बोले बार बार याद करते आ तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा ये कहेली बात छे, भगवान समुसरण में विराजते हैं, गणधर देव विराजते हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरों की हाजिरी में सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही। तो उस समय भी मतलब जब ये टीका लिखी गई थी सदाशिव दास जी के द्वारा, तब भी समय सार, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों का प्रचलन था समाज में। ये तो बीच में समझ लो मेरे ख्याल से 150 वर्षों का एक गैप ऐसा हो गया। और अपने यहाँ समझ लो पहले स्वाध्याय की परंपरा थी तो बुंदेलखंड में तो थी नहीं, ये तो वर्णी जी ने चालू की थी पाठशालाएं वगैरह, उनको पढ़ने की बहुत वो थी जिज्ञासा। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने गणेश प्रसाद जी वर्णी का, तो उनके उनको तो ब्राह्मण पंडितों ने पढ़ाने से मना कर दिया, ये बनियों को हम नहीं पढ़ाते, गजब हो गया। इतना दुख हुआ, उन्होंने 1 रुपया उनके पास था तो 64 कार्ड खरीदे, पोस्ट कार्ड, और 64 लोगों को लिखे, समाज में आते जाते थे ना, थोड़ा परिचय था, तब कहीं समझ लो वो काम चालू हुआ धीरे धीरे, जो भी हुआ। उसमें भी न्याय ग्रंथों की, करणान योग की, प्रथमान योग की ये परपाटी रही। उन पाठशालाओं में भी मुख्यतया न्याय प्रथमा, न्याय तीर्थ वगैरह इसकी परपाटी रही। द्रव्यान योग के 2 धाराएं हैं मुख्य, अध्यात्म और न्याय। तो न्याय की परपाटी यहाँ थी और अध्यात्म गुरुदेव से आए और उसमें न्याय में और करणान योग वगैरह में इतने मस्त हो गए, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है और कर्म के घात, ये निमित्त का कथन है, उपचार से है, वास्तव में जीव की उपादान की योग्यता से वो सब प्रणमन होता है, ये बात ही ख्याल में नहीं थी।
इसलिए उसकी भाषा ही ऐसी है ना करणानियोग की कि इस गुण स्थान में इतने प्रकृतियों का उदय होता है, उसका ये फल होता है, इतने बंद होता है, केवली ने इतनी प्रकृतियों का नाश किया, ऐसा किया, बस यही आत्मा कर्मों का नाश करता है, अनादि से कर्मों से बंद है और कर्म दुखी है, कर्म से आत्मा दुखी है, कर्म उदय के कारण अज्ञानी है। अरे भैया कर्म का संबंध है बंध है वो तो एक क्षेत्रावगाह संबंध की तरफ से बात करी, स्वभाव जो चैतन्य स्वरूप विद्यमान है वो अनादि निधन सदा काल विद्यमान है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये बात उसमें एक तरह से जैसे कि ये बरसात में चंद्रमा ढक जाता है ना वैसे ढक गई थी। ये तो समाज का महाभाग्य है कि आज जिनागम की जितनी विधाएं हैं सब किसी न किसी अंश में समाज में प्रचलित हैं। अब समाज में एकांगी ज्ञान की धारा नहीं, किसी व्यक्ति को भले एकांगी ज्ञान हो, जैसे अपने को करणानियोग का कम है तो द्रव्यानियोग का ज्यादा है, तो दूसरों को है, वो धारा लुप्त नहीं हुई। प्रथमान योग की, करणान योग की, चरणान योग की पढ़ने लिखने की परंपराएं लुप्त नहीं है, और अध्यात्म की कमी थी तो वो गुरुदेव ने पूरी कर दी, तभी अपने पास सर्वांग श्रुत ज्ञान की परंपरा विद्यमान, ग्रंथ तो है ही, उनके पढ़ने की परिपाटी विद्यमान है। हाँ, न्याय को भी खंडन मंडन में लगा है, अभी न्याय का इस शैली में विकास हुआ है कि उससे अध्यात्म की पुष्टि हो, सर्वज्ञ सिद्धि ये तो न्याय का विषय है। न्याय में तो समझ लो सर्वज्ञ सिद्धि के बिना तो न्याय का वो तो सूना है, वो तो न्याय शास्त्र की आत्मा है। सर्वज्ञ सिद्धि दोषावरण और हानि निश्चय शास्त्र साय नाथ क्वचित जता तो हेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय सत्वमेवासी निर्दोषो, हे भगवान आप ही निर्दोष है। युक्ति शास्त्रा विरोधी बात अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाद, इतना आनंद आता है भगवान के सामने खड़े होके पढ़ने लायक है दर्शन में, इसका उसमें है अनुवाद शायद 170 तीर्थंकर विधान में या उसी में है, 170 तीर्थंकर विधान की पहली पूजा की जयमाला में ये 16 छंदों का अनुवाद है हिंदी में, बहुत आनंद आता है। समंत भद्र का स्तुति साहित्य तो बहुत गजब का, सारा न्याय शास्त्र उसमें भर दिया है पूरा। तो ये पंच परमागम आज हमारे सामने उपलब्ध हैं, इनको पढ़ना पढ़ाना इनके बारे में नाना विधाओं सभी तो कितनी ज्ञान की कितनी शाखाएं कितने तरीके समझ में आए ना, अंत्याक्षरी है कि ये प्रश्न मंच है कि ये है कि वो है, भले टीवी से सीखा हो ये उस पैकिंग में अपना माल अपन ने धर दिया तो बच्चों को रोचक होता है, नई पीढ़ी को रोचक होता है, उसमें क्या दिक्कत है। इन ग्रंथों की विनय पूर्वक आराधना करना वो प्रवचन भक्ति है। वाह श्री उमा स्वामी ने 10 अध्यायों में तत्वा सूत्र बनाया है, देखो तत्वा सूत्र की परंपरा है, उस तत्वा सूत्र के ऊपर श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि नाम की टीका बनाई। तत्वा सूत्र पर ही श्री अकलंक देव ने 16,000 श्लोकों में राजवार्तिक टीका बनाई और विद्यानंद स्वामी ने 20,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक नाम की टीका बनाई है। समंत भद्र स्वामी ने 84,000 श्लोकों में गंधहस्ति महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई थी जो आज इस समय में उपलब्ध नहीं होती है, उसका उल्लेख आता है ग्रंथों में, टीका उपलब्ध नहीं। अब देखना गंधहस्ति महाभाष्य की कथा जोरदार है। गंधहस्ति महाभाष्य के प्रारंभ के मंगलाचरण पर श्री समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया, या काय का मंगलाचरण पर गंधहस्ति महाभाष्य, देखो है तो वो उमा स्वामी का है ना तत्वा सूत्र का, तो उसमें जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, आपने ध्यान दिया होगा अपने यहाँ जो वेदी है मंदिर में उसके उस साइड में ऊपर एक अर्घ का छंद लिखा हुआ है, बड़ा बहुत बढ़िया है, उसमें पूरे तत्वा सूत्र का ही पूरा भाव उसमें डाला है, हैं? अभी मेरे ध्यान नहीं आया है, ये कर्म भूव्रत के भेदता इस टाइप के है उसमें।
तो वो श्लोक, क्योंकि वो तत्वा सूत्र का मंगलाचरण था, और जो भी भाष्य लिखेगा या टीका लिखेगा तो मंगलाचरण से ही शुरू करेगा ना। तो समन्त भद्राचार्य ने गण्यस्थी महाभाष्य लिखा तो मंगलाचरण पे भाष्य लिखा, तो वो 115 श्लोकों में बनाया। तो वो आप तो मीमांसा ग्रंथ है, ऐसा 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया, उसे आप तो मीमांसा भी कहते। श्री अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 8000 श्लोकों में अष्ट सहस्त्री नाम की टीका बनाई है। ये एक दो लाइन का एक दो एक अनुष्टुप छंद है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम्। वो दो लाइन में से बीज में से निकला एक पौधा 115 गाथाओं का, फिर उसकी 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्त्री टीका, और उसी देवागम अष्ट सती पर विद्यानंद जी ने 800 श्लोकों में अष्ट सहस्त्री नाम की, ये उल्टा हो गया, अकलंक देव ने 800 श्लोक की टीका बनाई है, उसका नाम अष्ट सती है, और विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोकों में बनाया है, उसका नाम अष्ट सहस्त्री है, जिसमें 16000 टिप्पणी भी है फुटनोट्स में। तो विद्यानंद स्वामी ने एक बहुत सुंदर रूपक, उसमें रूपक समझते हो, नाट की शैली में उन्होंने लिखा कि भगवान महावीर ने समन्त भद्राचार्य से पूछा। ये बड़ी मजेदार बात है, सुनने में मजा आती। किसने लिखा ये बात? विद्यानंद स्वामी ने लिखा कि भगवान महावीर ने समन्त भद्राचार्य से पूछा, हे समन्त भद्र, उमा स्वामी ने जो मेरी स्तुति की है वो सातिशय गुणों को नमस्कार क्यों नहीं किया, निरतिशय गुणों को नमस्कार क्यों किया? ऐसा ऐसा अलंकार, एक रूपक अलंकार लगाया। अब भगवान को फिक्र हो जैसे कर यार मेरे समोसरण का और वैभव का तो कुछ किया नहीं, तो वीतरागता जनता को कहाँ वीतरागता चाहिए, समझ में आया? निरतिशय गुण माने जिसका लोक में कोई प्रभाव या चमत्कार ना हो। तो मोक्ष मार्ग के नेता हो, आज समझ लो ये विद्वान मोक्ष मार्ग की बात बताते हैं तो उनकी कितनी कद्र होती है, और जो 1 सेठ 1000 और 1 लाख रुपया देना कि जिससे उम्मीद हो गई कि 1 लाख रुपया देगा, उसकी कितनी कद्र होती? मोक्ष मार्ग के नेता की कद्र है या धन के नेता की कद्र है, बोलो आप। लोग चुनाव में खड़ा हो जाए, वो कहे कि मैं आपको भेद विज्ञान कराऊंगा, मैं तत्वा सूत्र पढ़ाऊंगा, मैं जैन स्कूल खोलूंगा, कितने वोट मिलेंगे? जमानत जब्त हो जाएगी है उसी के समाज वाले वोट नहीं दे रहे उसको, समझ में आया? और हाँ, सड़कें पक्की करवा दूंगा, एरोड्रम बनवा दूंगा, रेल चलवा दूंगा, बिजली पानी दी जाएगी, ये गीत गाए जाते हैं हर 5 साल में, उसी से वोट बटोरते। ये लोग सोचते हैं अगर हमने ये सब सचमुच में कर दिया तो फिर वोट किस नाम से मांगेंगे इसलिए वो कसर भी बाकी रखते हैं, समझ में आया? तो ये निरतिशय गुण मोक्ष मार्ग के नेता, तो कर्म रूपी पर्वतों के भेदता। क्या होता है कर्म? एक मिसाइल छोड़े तो मेहमा आवे, समझ में आया ना? परमाणु बम बनावे तो मेहमा आवे, कर्म पर्वत किसने देखे? मतलब उसमें भी कोई दुनिया पे आम पब्लिक पर प्रभाव डालने वाली कोई बात नहीं, और विश्व तत्व के ज्ञाता सर्वज्ञ और वीतरागी और हितोपदेशी, ये 3 बातें हैं ना। ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम, विश्व तत्वों के ज्ञाता है, ये तो और खतरनाक बात। अपना सारा चिट्ठा भगवान जान लेते, अनंतानंद सिद्ध भगवान जानते हैं हमारे परिणाम कैसे, कहाँ जाने वाले, कहाँ से आए, पूरा भूगोल और इतिहास सब जानते हैं। तो कोई दूसरा, मैं प्राइवेसी नहीं रही ना, तो ऐसा नेता किस काम का जो कहे कि मैं सबकी फाइल बनवाऊंगा और सब अपने कंप्यूटर में डाल के रखूंगा, ऐसा उस नेता को कोई वोट देगा? उन्हें तो ऐसा देना चाहिए, 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है, सोने का सिंहासन है और कमल है और ये सब अतिशय आती 34 अतिशय, उसका वर्णन करना चाहिए था। ये शिकायत किसने करी? महावीर भगवान ने समन्त भद्र से किसकी शिकायत करी? उमा स्वामी। तब उसके जवाब में उमा स्वामी ने वो आप तो मीमांसा लिखी, ऐसा बोलते देवागम नभोयान चामरादि विभूत। और एक एक यही शास्त्र ऐसा अद्भुत है कि जिसमें मंगलाचरण नेगेटिव है, यूं समझ लो है ही नहीं, नेगेटिव समझते,
हे भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता, मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता, मैं इसलिए। चौथे श्लोक में नमस्कार करने की बात करी प्रारंभ के तीन छंदों में। क्या आप ये मत समझना कि आपके समुसरण में देव आते हैं, 64 चमन ढुलते हैं और आप आकाश गमन करते हो, मैं इसलिए नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्यों नमस्कार नहीं करते हो, क्यों करते हो, समझ में आए ना? तो ये बात कहने की क्या जरूरत है? इन्हीं समझ भद्राचार्य का यही है ना, रत्नगण साहब का चार, इसमें तो कितने तरीके से नमः श्री वर्धमान आय निर्धूत कलिलात्मने उनको नमस्कार किया। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार लिखा, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अरे अमृतचंदाचार्य देव ने टीका लिखी तो भगवान आत्मा को नमस्कार किया, और वो अनंत भगवान पे भी घटित होता है। समझ में आया ना? कहने का आशय ये है, ग्रंथ रचने में मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार करने की ही परंपरा है, लेकिन इन्होंने ऐसे टेढ़े ढंग से नमस्कार किया कि नमस्कार करने में हेतु कौन नहीं है, पहले उनका वर्णन किया और फिर नमस्कार करने का हेतु क्या है उसका वर्णन। ये दूसरा वर्ण यो बना ना, चौथा छंद है ये। तीन छंदों तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधता। कोई कहे कि आप तीर्थंकर हो इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ, तो समंत भद्र का मस्तक इतने सस्ते में झुकने वाला नहीं। तीर्थंकर को क्यों? देखो तीर्थंकर के दो अर्थ, एक तो सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो जिसको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है वो तीर्थंकर होता है, समझ में आया ना? लेकिन लोक में शब्द नय से व्याकरण से तीर्थकृत तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो तीर्थ का प्रवर्तन करता है उसको तीर्थंकर कहते, ख्याल में आया? इसलिए उन्होंने तो तीर्थ चलाने वाले तो बहुत से लोग हैं, उनमें आपस में विरोध क्यों है? इसलिए कोई एक ही मुक्ति का मार्ग बताने वाला होगा। कश्चिदेव भवेत गुरु, गुरु कोई एक ही हो सकता है, सभी तीर्थंकर तो गुरु नहीं हो सकते ऐसा, क्योंकि तीर्थ चलन कपिल है, सुगत है, बहुत से लोग हैं। तो मैं फिर क्यों नमस्कार करते हो? क्योंकि आप निर्दोष हैं, यहां से वो बात चालू हुई। बहुत बड़ी रोचक कथा है। और देखो श्री विद्यानंद स्वामी ने आप्त की परीक्षा रूप 3000 श्लोकों में आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ बनाया है। माणिक्यनंद आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ बनाया है। यह आप्त परीक्षा हमारे कोर्स में था। आप्त मीमांसा अलग है, आप्त परीक्षा अलग है। आप्त मीमांसा तो समंत भद्र का है। परीक्षा मुख की बड़ी टीका पर भी श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने 12000 श्लोकों में प्रमेय कमल मातंड नाम की बनाई। देखो 32 अक्षर का एक श्लोक माना जाता है, इनमें श्लोक नहीं है जबकि ज्यादा तो टीकाएं हैं, फिर श्लोक कहां से लिखे? 32 अक्षर का एक श्लोक माना जाता है, तो 12000 × 32 अक्षर है ऐसा उसी की छोटी टीका श्री अनंत वीर आचार्य ने प्रमेय चंद्रिका नाम से बनाई। श्री अकलंक देव आचार्य ने लघु त्रयी नाम का ग्रंथ बनाया है। उस पर श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने 16000 श्लोकों में न्याय कुमुद चंद्रोदय, देखो नाम, न्याय कुमुद चंद्रोदय नाम का ग्रंथ बनाया, तथा और भी न्याय के कई ग्रंथ, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, बालावबोधनी, न्यायदीपिका इत्यादि, जिन धर्म के स्तंभ प्रमाण से द्रव्यों के निर्णय कराने वाले, अनेकांत से भरे हुए द्रव्यान योग के ग्रंथ जयवंत वर्तते हैं। देखो कितनी महिमा झलकती है। करणान योग के गोमट सार, लब्धि सार, छपना सार, लोक सार आदि अनेक ग्रंथ हैं। चरणान योग के मूलाचार, आचार सार, रत्नगण श्राव का चार, भगवती आराधना, स्वामी कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, पद्मनंदी, पंचविंशति, पुरुषार्थ, सिद्धि उपाय, ज्ञानार्णव इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। जिनेन्द्र व्याकरण अनेकांत से भरा हुआ है। प्रथमान योग के श्री जिनसेनाचार्य कृत आदि पुराण, श्री गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण इत्यादि जिनेन्द्र के परमागम के अनुसार उपदेशी ग्रंथ तथा पुराण चरित्र आचार्य के निरूपक अनेक ग्रंथ हैं। उनको बड़ी भक्ति से पठन करना, श्रवण करना, व्याख्यान करना,
वंदन करना, लिखना, शोधना, ये सब प्रवचन भक्ति। इतना सब वर्णन किया इन्होंने, ग्रंथों का नाम बता दिए, ये भी एक भक्ति का ही रूप है। अभी देखना, मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वो धन्य है, ऐसा महसूस करे। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वो वृथा है। स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नहीं होता। शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता, कसायों की मंदता नहीं होती। शास्त्र के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। श्रुत के सेवन से जगत में मान्यता, उच्चता, उज्ज्वल यश, आदर सत्कार प्राप्त होता है। ये तो सहज होता ही है, उसके लक्ष्य से नहीं करे, लेकिन जो श्रुतज्ञ होता है समाज में उसका बहुत बहुमान करते। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है। सम्यक ज्ञान अविनाशी धन है। स्वदेश में, परदेश में, सुख अवस्था में, दुख अवस्था में, आपदा में, संपदा में, परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही, स्वाधीन और अविनाश, ज्ञान नष्ट नहीं होता। पहले वो दोहा पढ़ते शायद रहीम का, तुलसी का, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बात है। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो, अपने को है, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान करो। ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है, दुर्ध्यान कराता है, संसार रूप अंधकूप में डुबोता है। ये धन के गुण देखो है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है, वो शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। वो प्रवचन भक्ति उमड़ती है ना, तो कर्म का क्षयोपशम इस जाति का खुल जाता है, तो फिर सहज ही उसको सब ज्ञान में बातें आ जाती। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं, उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। बोलो ये कीमत करना है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोप करता है, उसके समान कृतज्ञ दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूल है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। ये प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली है। इस भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो। भक्ति का अर्घ उतारण, भक्ति मतलब भक्ति का बहुमान होना चाहिए, प्रवचन भक्ति की भावना होनी चाहिए। इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति भावना का वर्णन किया। ये 13 भावनाएं संपन्न हुई। अभी 3 भावनाओं की चर्चा इसमें और है, वो अपन बाद में करेंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं।